Promise Insurance, CS317, 317, Head of Automata के course में मैं हूँ अनीता कासिम, lecturer computer science, और आज का topic of discussion है total language tree. So, total language tree क्या होता है? अगर आपको कोई CFG given है तो आप एक ऐसा ट्री बना सकते हो जिसकी रूट पे एस होगा जो कि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है और हर नोड जो है उसकी प्रोडक्शन के मल्टीपल पार्ट्स होंगे, वो कि नॉन टर्मिनल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है. और इसी तरह हर नॉन टर्मिनल के लिए आप उसकी प्रोडक्शन को रिपीट करते जाएंगे और उसको चाइल्ड क्रिएट करते जाएंगे उसकी प्रोडक्शन से. सो ये क्या कहलाएगा? टोटल लैंग्वेज ट्री कहलाएगा. इसमें लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी. कंसीडर द फॉलोइंग सीएफजी. एस कैन बी ए ए बी एक्स और ए एक्स एक्स. एक्स कैन बी ए बी और बी. देन द टोटल लैंग्वेज ट्री फॉर द गिवन सीएफजी में बी. एस से आपने एस की पहली प्रोडक्शन का चाइल्ड निकाला ए ए, दूसरी प्रोडक्शन का चाइल्ड निकाला बी एक्स, और तीसरी प्रोडक्शन का चाइल्ड निकाला ए एक्स एक्स. अब लेफ्ट चाइल्ड के आए ए एक सारे टर्मिनल्स हैं, सेकेंड पे आए बी एक्स. अब हमने इसमें देखा कि एक नॉन टर्मिनल है एक्स, हमने उसकी प्रोडक्शन को देखना है. कौन सी इसकी प्रोडक्शन है? बी बी एक्स की. बी एक्स से हम निकालेंगे एक्स की फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ए बी, तो बी ए बी. उसके बाद x की दूसरी पॉसिबिलिटी है b, तो ये b के साथ x को रिप्लेस किया b आ गया. a x x है, a x x में पहले हम पहले x को रिप्लेस करेंगे a b से, फिर हम पहले x को रिप्लेस करेंगे b से. तो ये पहले क्या बन गया? a b x, और उसके बाद ए बी एक्स. फिर हम सेकंड एक्स को रिप्लेस करने के लिए ए एक्स ए बी और ए एक्स बी, ये प्रोडक्शन आ गए. उसके बाद फिर लेफ्ट साइड पे आ गए, एक्स को रिप्लेस करना है ए बी से, तो ये बन जाएगा ए ए बी ए बी. फिर एक्स को रिप्लेस करना है बी से ए ए बी बी. इसी तरह से इस एक्स को रिप्लेस करना है पहले ए ए बी से, और इसी तरह से भी बी से. इस तरह से भी ये एक्स है, इसको रिप्लेस करेंगे ए ए बी ए बी बन जाएगा, और इस एक्स को बी से रिप्लेस करेंगे तो ए बी ए बी बन जाएगा. इसी तरह से ये एक्स है, इसको ए बी से रिप्लेस करेंगे तो ए ए बी बी बन जाएगा, और इसको बी से रिप्लेस करेंगे तो ए बी बी बन जाएगा. अब अगर हम इस लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनकी रेपिटेशन को इग्नोर अगर करें, तो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो कि ये लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है. ये ए ए बी ए बी 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 ए ए बी ए बी ए ए बी बी ए बी ए बी और ए बी बी. सो एक और एग्जांपल है, एस कैन बी एक्स और बी, एक्स कैन बी ए एक्स. देन फॉलोइंग विल बी द टोटल लैंग्वेज ट्री. एस से आपने क्या निकाला? एस की दो प्रोडक्शन है, एस कैन बी एक्स और एस कैन बी बी. तो ये होगा एस कैन बी एक्स और एस कैन बी बी. फिर एक्स को रिप्लेस करना है आपने, एक्स की क्या प्रोडक्शन है? एस कैन बी ए एक्स, ए की प्रोडक्शन है ए एक्स. और फिर आपने अब एक्स को रिप्लेस करना है एक्स से, नीचे आए एक्स कैन, एक्स कैन बी ए एक्स, एक्स को ए एक्स से रिप्लेस किया. फिर एक्स को ए एक्स से हम रिप्लेस करते ही जाएंगे और ये कोई कहीं भी ख़त्म नहीं होगा. इट इज़ टू बी नोटेड दैट द ओनली वर्ड इन दिस लैंग्वेज इज बी. अगर तो एक्स कहीं पे हमारे पास नल आ जाए या फिर एक्स कैन बी ओनली ए होता, तब हम कह सकते थे कि ये लैंग्वेज कहीं एंड हो सकती थी. लेकिन यहाँ पे इसमें ये जो लैंग्वेज है ये फाइनाइट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए सारी स्ट्रिंग्स इसमें सिर्फ जो ओनली स्ट्रिंग जो कि एक्सेप्ट हो रही है वो है बी. तो टोटल लैंग्वेज ट्री आज का हमारा टॉपिक था. टोटल लैंग्वेज ट्री क्या होता है? कि हम एक
गिवन सीएफजी से स्टार्ट सिंबल से होते हुए मुख्तलिफ नॉन टर्मिनल्स मुख्तलिफ जो प्रोडक्शंस हैं एस की उनको शो कर सकते हैं लाइक चाइल्ड्स ऑफ एस और उन चाइल्ड्स में से जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको बारी बारी रिप्लेस करते जाएं उनकी प्रोडक्शंस के साथ और इस तरह से ये एक टोटल लैंग्वेज ट्री बन जाएगा।